हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं जा रहा हूँ एक म्यूजियम में। तो अभी फिलहाल मैं हूँ ग्रैंड रोड स्टेशन। यहाँ से मैं थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो चलो चलते हैं फटाफट वहाँ पहुँच के आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सिनेमा, तो चलो चलते हैं। अभी यहाँ पे मैं अंदर आ चुका हूँ, तो काफ़ी सही है अभी अंदर। यहाँ पे सामने NMIC लिखा है, वहाँ पे टिकट काउंटर है। चल के टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे दो दो बिल्डिंग्स है। अरे बहुत ही खतरनाक और बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। तो जस्ट मैंने टिकट ले लिया है और चलते हैं। यहाँ पे टोटली दो बिल्डिंग्स है जहाँ पे पूरा अपना इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री के बारे में एंड ऑल बताया गया है। ये एक है सामने, ये ओल्ड बिल्डिंग है और ये न्यू बिल्डिंग है। तो चलते हैं, टोटली एक्सप्लोर करेंगे। मुझे 2-3 घंटा तो लगेगा ऑलमोस्ट एक्सप्लोर करने में, और आपको ये सारी चीज़ें 10-12 मिनट में मैं दिखा दूंगा। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं। पहले ओल्ड वाले से शुरू करते हैं। चलो भैया चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं दादा साहेब फाल्के की पूरी म्यूजियम। तो भाई कैसे हो आप लोग, ये हम आ चुके हैं अंदर की तरफ। भाई ये जो आप 3 फुटेज देख रहे हो, इसमें आपको गुलशन महल, न्यू बिल्डिंग सारी चीज़ दिख रही है। ये अभी मैं न्यू बिल्डिंग में हूँ। यहाँ पे आपको 90s के सारे पिक्चर्स के होल्डिंग और किसने क्या स्टोरी राइटिंग की है, कैसा था, कैसा मूवी शूट किया गया, सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ी नज़रें बचा बचा के मैं शूट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ वीडियो शूटिंग करना भाई बिल्कुल अलाउड नहीं। और यहाँ पर जो वॉल आपको दिख रहा है 3D वॉल, आपको सामने कैमरा का लाइट दिखता हुआ, डीमर लाइट, पुराने टाइम में कैसे लाइट्स होते थे, कैसे कैमरा होते थे, ट्राईपॉड कैसे होते थे, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। लाइक पहले लकड़ी के ट्राईपॉड होते थे, अब स्टील के होते हैं। और यहाँ पे छोटा थिएटर है जिसमें बैठ के मैंने ओल्ड मूवी इन्जॉय की। फिर आगे आगे जाते जाते भाई यहाँ पे मुझे बहुत कुछ देखने मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि आप ये लाइट देख रहे हो, ये बहुत पुराने टाइम की डीमर लाइट बोलते हैं इसको। आप जैसे आओगे यहाँ पे आपको सारे स्टूडियोज, जैसे लाइक जो पुराने स्टूडियो सेटअप होते थे ना, जिसमें मॉनिटर कैसे, डेस्कटॉप, डायरेक्टर लोग बैठ के कैसे देखते थे, साउंड को कैसे मैनेज करते थे, उसका मॉनिटर कैसा होता था, सारी चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल रखी हुई है। आप आके देख सकते हो यहाँ पे कैसे शूटिंग के टाइम पे क्या होता था। सारा स्टैचू बना के ऐसा दिखाया गया है। यहाँ पे लोग छुप छुप के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस सीन को बोलते हैं डॉली पैंथर। लाइक एक पीछे से बंदा होगा जो कैमरा रन करेगा एंड मूविंग वाला शूट इसे टेक करते हैं। फिर आगे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी, ग्रीन पर्दा, लाइक आपको शूटिंग करने का कुछ कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ देखने मिल जाता है। तो जस्ट उसी के लिए मैंने भी ये ट्राई किया और इसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला गाइस। आप भी यहाँ पे आके ये एक्सपीरियंस जरूर इन्जॉय करना। फिर मैं क्या, फिर भाई बोला चलो इस मोमेंट का भी वीडियो बना लिया जाए आपके लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी से बच के भाई फ़ोन जमा कर लेते। और सबसे सरप्राइजिंगली भाई ये क्या, मैंने देख लिया भाई ये बापू जी, हमारे महात्मा गांधी जी एकदम रियल लग रहे थे सामने से। तो चलिए ये रहा हमारा आज का सिनेमा टूर, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया, मिलते हैं आपसे कल। तो भाई मुझे पता नहीं ये कितने मिनट का वीडियो बना होगा, क्योंकि यहाँ ऑफिशियली वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था। फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने, इतना दूर आया हूँ भाई, थोड़ा कंटेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है। मुझे लग रहा है हार्डली 2 या 3 मिनट का वीडियो बना होगा, बट स्टिल शॉर्टकट में बनाया, बहुत सही बनाया। तो चलो अब चलते हैं घर पर और ये ब्लॉग का यही पे एंड करता हूँ। तो आपसे मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।